पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के हसूल में आसानियाँ, मौत के 60 रोज के अंदर डेथ सर्टिफिकेट लेने की शर्त खत्म, 20 बरस के भी हो जाएं तो पैदाइशी सर्टिफिकेट के अहल होंगे, पैदाइशी और मौत के सर्टिफिकेट में नई तरमीम के लिए वर्किंग पेपर तैयार, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सिफारिशात महकमे बल्दियात को भेज दी, चेयरमैन को भी मुकम्मल इख्तियार देने की सिफारिश। अटारी जंडियाला और शालीमार टाउन के सात मुख्तलिफ पार्क्स को खूबसूरत बनाने के लिए 29 लाख रुपए के फंड्स जारी, सात पार्क्स के लिए गुज़श्ता साल सिर्फ 12,50,000 जारी किए गए, पीने के पानी और सीवरेज स्कीमों के लिए भी फंड्स का इजरा, नौ तरक्याती स्कीमों के लिए 10,49,94,000 रुपए जारी करने के अहकाम जारी। दस माह गुजर गए, पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने टूटा पुल ना बन सका, पेडेस्ट्रियन पुल 10 जनवरी को ट्रक की टक्कर से गिर गया था, साबिक हुकूमत ने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए एक माह का वक्त दिया था लेकिन पुल की हालत जू की तू। शहरियों की सहूलियात के लिए महकमा एक्साइज ने प्रोजेक्ट स्मार्ट कार्ड के टेस्ट रन का आगाज कर दिया, डीजी एक्साइज पंजाब अकरम अशरफ गोंदल ने स्मार्ट कार्ड मशीन का जायजा लिया, स्मार्ट कार्ड मशीन के जरिए एक दिन में 20,000 कार्ड तैयार किए जा सकेंगे, कीमत 530 रुपए मुकर्रर की गई है। डीजी एक्साइज। शहर के एक और तरक्याती मंसूबे का आगाज, मुल्तान रोड तोसी मंसूबे पर काम शुरू, साबिक हुकूमत का मंसूबा अरसे से ताखीर का शिकार था, मौजूदा हुकूमत ने लागत कम करने के लिए मंसूबा 4 लेन से 3 लेन कर दिया, मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। पैरागन हाउसिंग स्कैंडल डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट जिला कचहरी की अदालत में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश, नैब की जेर हिरासत कैसर अमीन भट्ट का वादा मुआफ गवाह बनने का बयान, कलमबंद किए जाने का इम्कान। पीटीआई की हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए, देखना होगा हुकूमत ने नौजवानों के लिए क्या किया, आज हमें पाकिस्तान को बचाने और उसकी तरक्की का दोहरा चैलेंज दरपेश है, मुल्क तब बदलेगा जब मौरूसी सियासत खत्म होगी, सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का अवारी होटल में यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, फारूक सत्तार का एमकेएम की राबता कमेटी के अरकान के साथ छोड़ने पर शिकवा, शायराना अंदाज में कहा हमने मौसमों को रंग बदलते देखा, इंसानों को रंग बदलता देखा। अबूरी जमानत में तौसी की एक और इस्तदा मंजूर, ख्वाजा बरादरान को अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी मिल गई, दोनों भाइयों साद रफीक और सलमान रफीक को इससे पहले 3 मरतबा अबूरी जमानत मिल चुकी है, ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौका पर कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद, नारेबाजी की गई, हुकूमत की जानिब से हमारे ऊपर कहर आया हुआ है, इमरान खान को मुझसे बहुत तकलीफ है, ख्वाजा साद रफीक। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉल रोड, हॉल रोड, शालम मार्केट और दाता दरबार के इर्द गिर्द तजावुजात 24 घंटे में खत्म करने का हुक्म दे दिया, डीसी साहिबा अदालती हुक्म पर मिनो अन अमल होना चाहिए, जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने अदालत में पेश सालिहा सईद को हदायत कर दी, अदालत ने बागीची चा चिराग में मियानी साहब की अराजी से कब्जा छुड़वाने का भी हुक्म दे दिया, डीसी से कल तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने आहचीमा के जुडिशल रिमांड में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी, साबिक डीजीएलडीए आहचीमा पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जाम हैं। रेड जोन से बाहर करार दिए जाने वाले ईंटों के भट्टे खोलने की इजाजत दे दी गई, लाहौर का जिला रेड जोन में शामिल, 31 दिसंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी, महकमा तहफ्फुज़े माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की भरपूर सपोर्ट का ऐलान, एशिया कप में शिरकत के लिए जाने वाली व्हीलचेयर टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, 1 लाख रुपए अपनी जेब से देने का भी ऐलान किया, यकीन है कि कौमी टीम जीत कर आएगी, चौधरी मोहम्मद सरवर।
सीसीपीओ ऑफिस के करीब 1.5 करोड़ की डकैती, सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने पहले मजंग से मोटरसाइकिल छीनी और फिर वारदात करके फरार हो गए। पुलिस तहाल मुलजिम गिरफ्तार ना कर सकी। ऑपरेशन के दौरान खातून के साथ मुबैना ज्यादती का मामला, इंक्वायरी कमेटी ने खातून का बयान रिकॉर्ड करने की तैयारी कर ली। तमाम मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से हकायक सामने आ जाएंगे। प्रोफेसर महमूद अयाज। छह माह कबल अगवा होने वाले 5 साला बच्चे के वालिदैन और रिश्तेदार सरापा एहतजाज, प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। खजीमा गली में खेल रहा था कि मुलजिम अगवा करके फरार हो गए। पुलिस तावुन नहीं कर रही, मुजाहरीन का इल्जाम। सूबाई वजीर सनअत तजारत में असलम इकबाल की चाइनीज कौंसल जनरल मिस्टर लॉन्गडिंग बन से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और सीपेक मंसूबों पर तबादले ख्याल। पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है, मियां असलम इकबाल। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के जेरे एहतमाम अलहमरा हॉल में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, मौलाना उस्मान बेग फारूकी, अल्लामा ताहिरुल हसन और दीगर उलमा की शिरकत। मुकर्ररीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। और कौमी वीमेन हॉकी चैंपियनशिप, बाबडा ने सिंध किलर्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में आर्मी और केपीके की टीमें मद्दे मुकाबले।